इधर चला है फ्रेंड्स टायरिंग का काम। ये देखिए फ्रेंड्स, आजकल सतलुज का पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है और मायके जाने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे अपने क्यूट से भतीजे से मिलने की है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रोहिल पहरन मेरे साथ अभी यहाँ पे है नहीं, मतलब यहीं पे है लेकिन वो बगल में बैठी है और वो जा रही है आज अपने मायके, तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे दांत फाड़े जा रही है, तो मतलब इतनी खुशी है लड़की को अपने घर जाने की, मायके जाने की एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक महीने के लिए वहीं पे रख दूं और मैं खुशी खुशी जीऊं कुछ दिन। समझ सकते हो बॉयज मेरे कहने का मतलब क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए आप हमारे साथ देखिए ये सफर कैसा रहता है। हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 1 बजे से। आज फ्रेंड्स मैं अपने मायके जा रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। मैं लास्ट टाइम जनवरी में गई थी, तो उसके बाद मैं आज ही जा रही हूँ और मायके जाने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे अपने क्यूट से भतीजे से मिलने की है। निर्वाण बहुत ही क्यूट है, हैंडसम है मेरा छोटा सा भतीजा, तो अब मैं उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगी। कुछ टाइम मैं वहीं पर रहने वाली हूँ और आपको अब मेरे ब्लॉग मेरे मायके से दिखने वाले हैं। पर फ्रेंड्स एक बात का दुख भी है कि मैं आज जा रही हूँ और मेरा भतीजा घर में ही नहीं है। मेरी भाभी और मेरा भतीजा अपने मायके गए हैं, निर्वाण अपने मामू के घर गया हुआ है, पर वो आ जाएगा 1-2 दिन से। पर मेरी उससे मिलने की जो एक्साइटमेंट थी, मैं चाहती थी कि जिस दिन मैं घर जाऊँ मैं सबसे पहले अपने भतीजे को ही देखूँ, उससे मिलूँ सबसे पहले, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो तो है ही नहीं घर में, तो इस बात का थोड़ा सा दुख भी है। आप लोगों को मैं अपने भतीजे से ज़रूर मिलवाऊंगी, तब आप लोग बोलोगे कि कितना क्यूट है, वो बहुत क्यूट सा बच्चा है। और फ्रेंड्स मेरे गांव में वहां पे देवता जी भी आ रहे हैं, हमारे कुल देवता जी, तो मैं उनकी ब्लेसिंग लेने भी जा रही हूँ। उनके दर्शन में आप लोगों को भी करवाऊँगी, उसका भी ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले मैं रामपुर जाऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी अपने घर। देखिए फ्रेंड्स आज धुंध ही पड़ी है चारों तरफ और ऐसा लग रहा है कि अब बरसात स्टार्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स थानेदार से आगे रोड बहुत ही एकदम चकाचक हो चुका है। ये पहले बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो आजकल इसमें काम चला हुआ है और काम A1 हुआ है। बहुत ही मस्त रोड बना है अब ये। अब देखते हैं ये कहाँ तक बना हुआ है, पर काम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अब रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चला है टायरिंग का काम आगे, तो अब यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारी कैंची से आगे रोड का काम चला हुआ है, टायरिंग चली हुई है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर चला है फ्रेंड्स टायरिंग का काम, तो उस वजह से ही थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हम बुट्टी से नीचे आए, तो नीचे आते आते गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और अब अजीब सी गर्मी हो गई है, चिपचिपी सी। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले बास्केट पहनी थी, तो अब मैंने वो उतार दी है, अब मैं दुपट्टे में आ गई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, अब सहन नहीं हो रही है गर्मी। तो अब हम थोड़ी देर में NH पहुँचने वाले हैं बीतल। और अभी तो फ्रेंड्स हमें रामपुर भी जाना है, तो मैं तो ये सोच के ही परेशान हूँ कि अगर इतनी गर्मी यहाँ पे है तो रामपुर में कितनी गर्मी होगी, अब वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे बीतल पहुँच चुके हैं, तो हमने लेना है यहाँ से राइट टर्न। ये फाइनली हम NH पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चला है प्रोजेक्ट का काम नीरत में, ये आप देख सकते हो।
और ये जो रिवर है ये है सतलुज रिवर। फ्रेंड्स जो NH था वो इधर से हुआ करता था और अब जब से यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है तब से अब नया NH निकल चुका है इधर से। ये आप देख सकते हैं ये नया ही निकला है अभी, तभी अभी ये मेटल भी नहीं हुआ है, कच्चा रोड है। ये देखिए फ्रेंड्स आजकल सतलुज का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और सतलुज का पानी बढ़ने से आजकल जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको भी सबको आजकल छुट्टी मिली हुई है। आजकल यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम बंद हुआ है क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा है सतलुज में इस वजह से। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके। तो फ्रेंड्स हम फाइनली रामपुर पहुंच गए हैं और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा दी है खोपड़ी में और हम यहाँ से जाएंगे पैदल मार्केट तक। तो फ्रेंड्स मैं आज रामपुर बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? गर्मी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब भूख भी हमें बहुत ज्यादा लग चुकी है तो सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे फिर घर। फ्रेंड्स बटर स्कॉच आइसक्रीम, यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है आइसक्रीम की नीड बढ़ रही है। ये फ्रेंड्स इधर वो शॉपिंग कर रहे हैं और इनको कोई भी चीज़ रामपुर में पसंद नहीं आ रही, एक लोअर के चक्कर में, एक लोअर और जॉगर के चक्कर में ये मार्केट घूम ली। तो फ्रेंड्स रोहित के लोअर और जॉगर के चक्कर में पूरे रामपुर की मार्केट घूम ली हम। यहाँ पूछने ये है कि यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे रामपुर बाज़ार का गांधी पार्क। तो फ्रेंड्स अभी हमारे है टीवी सन्स में, तो फ्रेंड्स फाइनली इनकी शॉपिंग हो गई है डीवी सन से, लोअर भी मिल गई इनको, टी शर्ट भी मिल गई है, तो अब चलो सीधा घर। सब शाम के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 6:30 और हम अभी तक रामपुर नहीं है, इनकी वजह से हम बहुत लेट हो गए हैं। मेरी वजह से बिल्कुल नहीं, आपकी शॉपिंग की वजह से, क्योंकि मैं आज बहुत स्मार्ट लग रहा हूं। नहीं तो ये तो आपने बीएड करवाई ना और हेयर कट करे तभी आप इतने, तभी आप 12 साल के लग रहे हो चिकने। और फ्रेंड्स मैंने भी थाइडिंग करी बाजार में जाके और इनकी शॉपिंग की वजह से पूरा बाजार छान मारा, इनको कहीं भी चीजें पसंद नहीं आई रामपुर में। तो लास्ट में गए हम डीवी सन्स, तो वहाँ से इन्होंने फाइनली कर दी है शॉपिंग। घर पहुँचते पहुँचते तो हमें अब रात ही हो जाएगी, इनकी वजह से हुआ, इनकी शॉपिंग की वजह से कहीं भी इनको चीजें पसंद नहीं आ रही। हाँ आप बोल रहे थे ऐसा, तुमने खाने ही नहीं देख लो। अब फ्रेंड्स फटाफट चलते हैं घर, घर में तो हम पता नहीं कब पहुंचेंगे, 8 बजे तक पहुंचेंगे, अभी रास्ते में और भी कुछ सामान लेना है। आज फ्रेंड्स रामपुर की गेड़िया भी मार दी काफ़ी टाइम के बाद, बहुत टाइम बाद आए हम रामपुर। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्लाउड आ गए हैं, पता नहीं, देखते हैं घर पहुँचते पहुँचते कहीं बारिश ना हो जाए।
फ्रेंड्स जाते जाते अब हो चुकी है रात, तो हम चले भद्राक्ष से 7:30 बजे। वहाँ हमने थोड़ा बहुत सामान लिया इसलिए थोड़े लेट हो गए, तो घर पहुँचते पहुँचते तो रात ही हो जाएगी, ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाएगा। तो अब हम शूट और शूट निकल रहे हैं, अब हमें कहीं पे भी नहीं रुकना है, हम जा रहे हैं भद्राक्ष होके, और जो ऊपर जा रहा है लेफ्ट को रोड ये जाता है रोडू को, और जो सीधा जो जा रहा है ये जा रहा है मेरे घर को, ये जाएगा बाय मझेवटी फौला होके। वैसे नीरथ से भी जाते हैं ऊपर कूड़ीदार होके मेरे घर के लिए, पर ये इधर से हमने लिया है शॉर्टकट ताकि हम जल्दी पहुंच जाए घर में। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का भी करती हूँ मैं यहीं पे एंड, अब रात को क्या ही दिखेगा आप लोगों को भी, क्या ही शूट कर पाऊंगी मैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।